तो आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्स जो है रोज फॉर ऑटोनोमस व्हीकल्स 101। तो आज इसमें हम करेंगे चैप्टर 4 जो है कैनबस। कैनबस बेसिकली होती क्या है, एक कंट्रोलर एरिया नेटवर्क है जो हमारा बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर जो हमारे ड्राइव्स हैं उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह का, यहाँ पर आगे इसका बारे में बता रखा है, तो हम इसे जुपिटर बुक को इंक्रीज़ करते हैं तो देखते हैं आगे क्या बता रखा है। तो उन्होंने बता रखा है जो कैनवास है ये बोश के द्वारा क्रिएटेड की गई थी, इन्वेंटेड की गई थी, और इसका जो बेसिकली मेन फंक्शन है वो है मल्टीप्लेक्स इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो यहाँ पर उसके बारे में दे रखा है। तो ये कैसा दिखता है उसके बारे में आगे दिखा रखा है। एक कैनवास है, इसमें तीन बेसिकली इसमें तीन पार्ट हमने दे रखे हैं मेन, जो है आइडेंटिफायर जो ग्रीन है, आइडेंटिफायर और डाटा लेंथ कोड है DLC जो हमारा येलो से शो कर रखा है, और जो डाटा फीड है रेड वो हमारी रेड से शो कर रखी है। ये आइडेंटिफायर होता है जो ग्रीन है वो 11 बिट लॉन्ग होता है, जो DLC होता है वो 4 बिट, और जो हमारा डाटा फीड होता है वो 0 to 64 बिट लॉन्ग हो सकता है। तो इसमें बेसिकली हम TX और RX यूज़ करेंगे जो हमारा इनपुट, और इसे हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के साथ डिफाइन करेंगे। बेसिकली हमारा जो TX होता है वो ट्रांसमिशन होता है और RX होता है रिसीविंग। तो आगे दे रखा है हाउ डू वेट गाइस, तो हमें यहाँ पर एक कमांड दे रखी है, तो हम देखते हैं एक कमांड है क्या। बेसिकली ये एक RQT ग्राफ है, वेट गाइस, तो हम देखते हैं अभी RQT ग्राफ क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आई विल शो यू। तो ऐसे कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट का आरविज है, वेट अ मिनट, तो बेसिकली जो हम अपनी यहाँ पर एक कार यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी नोड्स हैं, कौन कौन से नोड्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो हम देखते हैं। देखिएगा ये बहुत ही कम्प्लेक्स है और यहाँ पर एक पिक्चर के जरिए हमें शो किया गया है। ये है बेसिकली एक कैट व्हीकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सिमुलेशन में। तो इसमें देख क्या रखा है, कैट व्हीकल्स ज्वाइंट स्पेस कंट्रोलर कमांड पोजीशन स्टीयरिंग पोजीशन, ये चीज़ें दे रखी हैं। और जो आगे इन्होंने दे रखा है, वेट है, बिल्कुल ऐसे ही जो हम यहाँ पर कैट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम रियल कार में यूज़ करना चाहें तो एक ऐसा कैनवास का ड्राइवर होता है जो बेसिकली कैनवास दिखती कैसी है। तो इसमें सभी टॉपिक्स होते हैं जो हमने सब्सक्राइब करने होते हैं, जो हम पब्लिश कर रहे हैं उसे सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पर हमारी कैनवास होगी जिससे हम टॉपिक लेंगे और हमारे व्हीकल्स को हम सेंड करेंगे आगे। तो बट यहाँ पर हमारे पास रियल कार नहीं है, हम सिमुलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक अलग से हमने बना रखी है कैनवास सिमुलेशन में, जो हमारा ये है कैनवास जो हमारा डाटा सबमिट वो करेगी, सेंड करेगी। तो इससे जो डाटा जाएगा वो हमारा जो भी हमारी नोड बना रखी होगी उसको जाएगा, उसके बाद हमारा व्हीकल्स को जाएगा। तो देखते हैं गाइस आगे क्या दे रखा है। तो बेसिकली वही चीज़ दे रखी है जो आपको अभी बताई गई है। जो RX होगा, यहाँ पर एक टॉपिक होगा can_bus_dbw/can_RX। ये बेसिकली जो हमारा कैनवास है उसका जो डाटा रिसीविंग हो रहा है उसके लिए है, और जो TX है वो डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए है। तो आगे इन्होंने एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज है 4.1। तो बेसिकली इसमें बताया क्या गया है, एक हमने नोड क्रिएट करनी है, तो उसमें जो हम टॉपिक पहले जो हम पब्लिश करते थे वो हम करते ट्विस्ट ये करते थे, अब जो आगे हम करेंगे जो रियल व्हीकल में हम यूज़ करेंगे वो होगा स्टीयरिंग। हमने जो स्टीयर है उसको कितना स्टीयरिंग किया, जो हमारे गियर्स है वो कौन सा गियर है, थ्रोटल कितना है, ब्रेक के लिए हमने पैडल कितना प्रेस किया। तो उसके लिए गाइस हम देखते हैं आगे, एक हमारे पास कमांड होती है मैसेजेस को शो करने के लिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से हमारे मैसेजेस हैं, रोस MSG है, तो हम देखते हैं, वेट गाइस,
ए तो हम ब्रेक के लिए देखते हैं, ब्रेक के लिए क्या क्या दे रखा है। तो जो हमारा ब्रेक है मैसी, उसमें क्या क्या दे रखा है, पैडल दे रखा है, उसमें कमांड दे रखी है परसेंट एंड टोरक, कि हम उस पैडल पर कितना टोर्क अप्लाई कर रहे हैं और मैक्सिमम टोर्क दे रखा है यहाँ पर कितना अप्लाई होगा। तो ये बेसिकली एक ब्रेक के लिए है। और अगर हम उस गियरिंग के लिए देखना चाहें वो देख सकते हैं, थ्रोटल के लिए देख सकते हैं, स्टीयरिंग के लिए देख सकते हैं। तो गियरिंग अभी गियर के लिए दे रखा है, जब कोई गियर नहीं होगा तो जीरो है। उसके लिए हमारे पास 5 गियर दे रखे हैं, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड लो। ये बेसिकली हम जो गियर यूज़ कर रहे हैं इस कार में। तो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो इसके बारे में यहाँ पर समझा रखा है गाइस। तो सबसे पहले जब अगर हमने कार को चलाना है तो उसके लिए हमें व्हीकल इनेबल जो हमारा टॉपिक है उसे पब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी कार है अगर वो कहीं एक्सीडेंट हो तो उसे कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए हम व्हीकल इनेबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो हमारी 4 है उसका आगे सोल्यूशन दे रखा है, अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, बट यहाँ पर हमें सोल्यूशन दे रखा है तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो बेसिकली हम इनिशियलाइज करेंगे नोट्स पब्लिश किस में हो रही है, तो आगे देखेंगे। एक हमने फंक्शन बना रखा है इनेबल अंडरस्कोर डीवे अंडरस्कोर इनपुट्स अंडरस्कोर लूप, ये हमारा इनेबल करने के लिए, जो हम इनपुट ले रहे हैं उसे इनेबल करने के लिए है। तो आगे अगर इसे हम इनेबल करेंगे तो हम देखेंगे अगर जो हमारे पास इनपुट आ रही है वो इनेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो ये दोबारा से रिट्राई करेगा ये फंक्शन। तो आगे इसमें जैसे ही हमने आगे फंक्शन बना रखे हैं, थ्रोटल के लिए है, स्टीयरिंग के लिए होगा, स्टीयरिंग के लिए है, थ्रोटल के लिए है, ब्रेक के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके लिए आईडी भी दे रखी है जो कि आगे आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो गाइस देखिए जो भी इन्होंने एक कमांड कही गई थी हम वो यूज़ करके देखते हैं। जो कमांड है बेसिकली वेट गाइस, तो एक रोज रन के लिए हमारे पास एक पाइथन कोड दे रखा है, तो इसे हम रन करते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारी कार को इनेबल करेगा, जो कार में फंक्शंस हैं उन्हें इनेबल कर दिया है सभी को। अभी ये कार को रन कर रहा है, आगे से ऑब्स्टेकल दिखा ये रुक गया। तो हम देख रहे हैं जो हमारा रोज टॉपिक्स है वेट गाइस, तो उसमें कौन कौन से पब्लिश हो रही हैं जो चीज़ें, तो हम उसके लिए एक टॉपिक है उसे हम देखते हैं उसमें क्या क्या पब्लिश हो रहा है। तो उसके लिए हम रोज टॉपिक को तो उसके लिए यहाँ पर एक दे रखा है, कमांड दे रखी है गाइस। यहाँ पर रिसीव के लिए दे रखी है, बट हमें ट्रांसमिटिंग के लिए चाहिए, तो हम इसमें चेक करते हैं क्या गाइस। ओ सॉरी, तो गाइस हम इस जो बेसिकली हमें क्या करना था, जो हमारी यहाँ पर कमांड दे रखी है उसे एग्जीक्यूट करना था, और यहाँ पर जो हमारा रोज टॉपिक इको था उसे करना था सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हमें कुछ डाटा दे रखा है, डाटा है 2550, आईडी है 98। ये बेसिकली हमें कैसे पता लगेगा ये क्या दे रखा है, और हमें देखने में तो बस ऐसे लगेगा ये नंबरिंग है क्या, तो इस डाटा से हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आगे हम जो हमारी बेसिकली मेन आगे एक्सरसाइज दे रखी है वो है एक्सरसाइज 4.2, तो उसमें देखते हैं क्या है। उसके लिए बेसिकली हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो है C++ आपको आनी चाहिए थोड़ी सी, अगर उसकी भी समझ है तो आपको ये जो हमारा दे रखा है एक्सरसाइज उसका समझ आ जाएगा। तो इसमें है क्या, तो हमें यहाँ पर एक सब्सक्राइब करना है टॉपिक्स को, वो है कैन अंडरस्कोर बस अंडरस्कोर DVW/CAN_RX। तो एक रिसीविंग है, एक ट्रांसमिटिंग है, यहाँ पर इसे हमने इनपुट और आउटपुट जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है वैसे ले रखा है। एक हमारे पास इनपुट आ रही है और एक हमारे पास आउटपुट, जो आउटपुट है वो TX है, जो रिसीविंग है वो इनपुट है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो पहले हमने किया है हमें आईडी पता होना चाहिए, जो डाटा आ रहा है वो उसकी आईडी क्या है, उसकी लेंथ क्या है,
और बेसिकली इसके बारे में हमें हेक्स कन्वर्शन आनी चाहिए कि जो हमारे पास हेक्स कोड आ रहा है वो है क्या। तो आगे यहाँ पर एक इनम टाइप की डाटा टाइप होती है जो हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में आईडी दे रखी है, आईडी अंडरस्कोर ब्रेक कमांड 0x0a60। तो उसके बारे में आगे हमें दे रखा है, जो हमारे पास डाटा है उसके लिए हमने एक फाइल बना रखी है आपके लिए। वेट गाइस, आई विल शो यू। जो आगे हमारे पास दे रखा है, एक हमारे पास फाइल है डिस्पैच डॉट, उसे हम ओपन करके देखते हैं। समथिंग हैपन हियर, तो देखते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें क्या फिल करना था, उसके लिए जो हमारे पास कमांड थी वो थी वी ए डिस्पैच डॉट एच। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइल दे रखी है उसको हम देखते हैं वो बेसिकली है क्या। तो गाइस इस फाइल में हमारे पास डाटा दे रखा है सभी, जैसे कि स्टीयरिंग का दे रखा है, गियर का दे रखा है, कमांड्स का दे रखा है, सभी जो हमारे पास जो भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है वो सभी चीज़ें का यहाँ पर डाटा दे रखा है। तो इसे फाइल को हम क्विट करते हैं। वेट गाइस, क्विट करते हैं। तो ये हमारी जो मेन है एक्सरसाइज 4.2, उसके लिए हमारे पास जो डाटा चाहिए था उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर उसी डाटा को एक्सप्लेन कर रखा है आगे, डी बी डब्ल्यू नोड जो हमारे गियर है उसकी नोड है, जो स्टीयरिंग कमांड है उसका दे रखा है, और वैसे ही सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो गाइस ये थी हमारी आज कैनवस, जिसमें हमें बता रखा था कि जो हमें उससे टॉपिक लेने हैं वो कैसे लेने हैं, उसे कैसे वो करना है, सब्सक्राइब और पब्लिश कैसे करना है। तो यहाँ पर आप फर्दर रीडिंग अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए आगे दे रखा है, यहाँ पर कुछ लिंक दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।